अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें। और ये जी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने दूध की जो बलाई होती है उसको पकने के लिए रख दिया था देसी घी के लिए, और साथ ही मैंने मशीन में जो बच्चों के समर के कपड़े निकाले थे ये मैंने वो वॉश होने के लिए डाल दिए हैं, और क्योंकि थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है इसलिए मैंने वॉश होने के लिए रख दिए हैं। तो ये वॉश हो रहे हैं और इसके साथ ही मैंने बच्चों को मॉर्निंग में ये ऑरेंजेस काट कर दिए थे, तो क्योंकि आपको जैसे पता है कोरोना वायरस की वजह से कैल्शियम वाली और वाइटामिन्स वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, तो फिर इसी वजह से क्योंकि ऑरेंजेस में वाइटामिन्स होते हैं तो ये मैंने बच्चों को दिए हैं। और ये नेक्स्ट डे है, हम लोग आए हैं अपने बेटे की बर्थडे का केक लेने के लिए जो कि मेरे हस्बैंड की खाला ने बनाया है, और वो ये ऑर्डर्स पे भी बनाती हैं हर तरह का, बस सिर्फ उन्हें पिक्चर दिखा दें और वो आपको केक रेडी करके दे देंगी। तो ये उसने टैंक वाला केक बनवाया था क्योंकि उसको आर्मी में जाने का शौक़ है, तो इस वजह से उसने कहा कि मामा मुझे आर्मी वाला ही वो टैंक चाहिए, टैंक बनाकर मुझे टैंक वाला केक चाहिए। और ये मैंने खाना बनाया था जिसमें बिरयानी थी, चिकन चीज़ बॉल्स थे और दही भल्ले थे और चिकन हॉट शॉट्स थे, तो इनकी दादू ने बस कहा था कि ज़्यादा मत बनाना क्योंकि इतनी कोई गैदरिंग तो थी नहीं, मैं मेरी फैमिली मतलब मेरे इन लॉज और मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, तो ये इसके बाबा ने इनको गिफ्ट की थी, तो ये अब इसको प्ले कर रहे हैं इस पर बैठ के। और ये मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए राइस लेकर आई थी, शायद उन्होंने मेरी वीडियो में देख लिया था सुन लिया था, तो फिर वो राइस लेकर आई आते हुए, इनको मैंने ड्रम में डाल लिया है। और ये मैंने अपना करवाया था, पॉलिश करवाई थी अपने फर्नीचर पे क्योंकि रमज़ान से पहले पहले आपको पता है कि सारी चीज़ें घर को क्लीन करना होता है, हर चीज़ को साफ़ करना होता है, तो फिर मैंने फ़र्नीचर को भी करवा लिया क्योंकि इसमें जगह जगह थोड़ा सा ख़राब हुआ था। तो ये देखें वो पॉलिश करके चले गए हैं, तो इसको ड्राई होने के लिए रख दिया, हम लोग दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए हैं। और ये जी ग्रीन चिलीज़ वाले भाई आए थे बाहर, तो फिर मैंने 1 kg ग्रीन चिलीज़ ली थी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी और ताज़ा थी, तो फिर मैंने इनका पेस्ट बना लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को रमज़ान में सिर्फ ये दही में सिर्फ ग्रीन चिलीज़ ही अच्छी लगती हैं, उसके अलावा वो कोई और चीज़ नहीं लेते, ग्रीन चिली वाला दही यूज़ करते हैं। तो ये जो व्लॉग है ना ये 3 दिन का इकट्ठा व्लॉग है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं किसी वजह से व्लॉग बना तो रही हूँ पर अपलोड नहीं कर रही। तो अब ये सुबह है जी 6 o'clock या 7 o'clock का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं लाहौर, और लाहौर क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम लोग क्यों जा रहे हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी तो गए थे और फिर अब जा रहे हैं, और लॉकडाउन में तो वैसे ही लोग बहुत सवाल पूछते हैं, तो ये अब हम लोग निकल पड़े हैं घर के लाहौर के लिए, मेरी मदर के घर के लिए। पहले हम लोग जाएँगे GT रोड पर, देखेंगे कि अगर कोई हालात ठीक हुए तो वहीं से चले जाएंगे, नहीं तो हम मोटरवे पे चले जाएंगे। तो सुबह का टाइम है और ये व्यू इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, और देख के वैसे ही इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि इतना अच्छा ग्रीनरी लग रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग जा रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं जी लाहौर, और ये जो है ये दरियाए रावी है, हम लोग GT रोड से ही आए हैं क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो बहुत लंबा हो जाएगा इधर से फिर मोटरवे पे जाना और ये वो, तो इसलिए फिर हम लोग GT रोड से ही आए। और अब हम पहुंच चुके हैं जी घर, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, और ये मेरी चची बैठी हुई कुछ रेडी कर रही हैं बॉक्स, इन्होंने डेकोर कर रही हैं इसको, तो जब मैं आई थी तो मेरे आने से पहले ही ये सब कुछ कर रहे थे। और मेहंदी देख के आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा, और ये मैं मेहंदी लगवा रही हूँ अपनी कज़न से, सब लोगों ने रात को लगवा ली थी, फिर मैं आई हूँ आज, जिस दिन इवेंट था उसी दिन ही हम लोग सुबह आए हैं, तो मेरी कज़न मुझे मेहंदी लगा रही है।
और ये है जी थाल, तैयार किया था हम लोगों ने फ्लावर्स के साथ और इसमें स्वीट रखी है। और एक और बॉक्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी घर में ही बनाया है मेरी चची ने। अगर मैं होती तो शायद मैं भी थोड़ी हेल्प करवा देती। तो अब हम लोग जी वापसी के लिए निकल पड़े हैं। और जब हम लोग चले थे तो तब काफ़ी धूप थी, और फिर 5 या 10 मिनट के बाद इस तरह आंधी वाला मौसम हो गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जीटी रोड पे वैसे ही बहुत ज़्यादा रश है और 3-4 बजे का टाइम था, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग चलते हैं मोटरवे से। फिर हम लोग शेखपुरा पहुंच के हम लोग वहाँ से जीटी रोड पे आ गए थे, मोटरवे पे आ गए थे सॉरी। और मोटरवे पे देखें कितना साफ़ आराम से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और जीटी रोड पे तो बहुत ज़्यादा रश था और ज़्यादातर बाइकर्स और रिक्शों वालों का रश था, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं रही और जो प्राइवेट कार्स वगैरह वही चल रही हैं। तो बाइक्स और ऑटो जो रिक्शा होते हैं और जो चिंची रिक्शे होते हैं उनका बहुत रश था। और यही था मेरा आज का व्लॉग। तब अल्लाह हाफिज़।